हे गाइस, दिस इज विशाल और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल इंटीग्रल्स का कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो जो ट्रिपल इंटीग्रल्स का थ्योरी वाला पोर्शन है यदि उसे नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्योंकि बिना उसे समझे हम कैसे लिमिट डिसाइड करेंगे वो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को एक बार कंप्लीट देख ले। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरह के कंटेंट आपको मिलते रहे और आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है ट्रिपल इंटीग्रल्स का, इंटीग्रेशन -1 to 1, इंटीग्रेशन 0 to z और इंटीग्रेशन x-z to x+z, x+y+z dx/dy/dz। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, जैसे हमने डबल इंटीग्रल्स में भी बताया था कि हमारा सबसे पहला स्टेप है लिमिट डिसाइड करना कि कौन किसका लिमिट है। हमारे पास 3 लिमिट तो दिया है लेकिन कौन किसका हमें पता नहीं है, राइट? तो हम पहले लिमिट को डिसाइड करेंगे कि कौन किसका लिमिट है, उसके बाद कहीं जाके हम आगे के प्रोसेस को करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले लिमिट को हम देखते हैं, ठीक है? क्योंकि इस फंक्शन के पास वाले लिमिट से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम जैसे देख सकते हो कि हाँ एक्स भी है और जेड भी है। तो जब एक्स भी है और जेड भी है तो बचा क्या, वाई। तो ये वाई का लिमिट हो गया, ठीक है? जब एक्स भी है और वाई जेड भी है तो ये वाई का लिमिट हो गया। इसके बाद हम इधर वाले चलते नेक्स्ट लिमिट पे। तो यहां आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे जेड है, ठीक है? तो चूंकि जेड है, जब हमने वाई का लिमिट डिसाइड कर लिया, अब हमारे पास बचा केवल एक्स और जेड। तो यहाँ पास जेड है तो ये तो जेड का लिमिट हो नहीं सकता, तो किसका लिमिट हो जाएगा, ये एक्स का लिमिट हो जाएगा। अब हमारे पास जब हमने वाई और एक्स का लिमिट डिसाइड कर लिया है तो ये बचा जेड का लिमिट। तो इस तरीके से हमने लिमिट डिसाइड किया। चलिए एक बार और बताता हूं आपको ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि पहला जो मेन स्टेप में है, डबल इंटीग्रल्स बोलूं या फिर ट्रिपल इंटीग्रल्स के बारे में बोलूं, यार आपको अगर लिमिट डिसाइड करने आ गया तो आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व किए बिना नहीं आ सकते। क्योंकि मेन जो मेजर डिफरेंस जो आता है, मेजर गलतियां जो बच्चे करते हैं वो यहीं पे होता है लिमिट डिसाइड करने में। तो चलिए सबसे पहले फंक्शन के पास वाले लिमिट में हम जाते हैं। यहां आप जैसे देख सकते हो कि एक्स भी है और वाई भी है। तो जब मैंने बताया था कि जब y का लिमिट होगा तो x और z के रूप में रहेगा, तो x भी है और z भी है तो ये y का लिमिट हो गया। अब इसमें आते हैं तो यहाँ 0 और z है, तो जब z है तो ये x का लिमिट हो गया और ये बचा तो ये z का लिमिट हो गया। तो इस तरीके से हमारा लिमिट भी डिसाइड हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास y का है तो हम y वाले को लेंगे, तो -1 to 1 इंटीग्रेशन 0 to z, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, x-z x+z x+y+z dz, ठीक है? चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हो जाएगा -1 to 1 इंटीग्रेशन 0 to z। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा xy+y²/2+zy और लिमिट x-z to x+z, बाहर में हो गया dz, ठीक है? -1 to 1 इंटीग्रेशन 0 to z। चलिए अब हम जब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट को रखते हैं, y के जगह पे रखना है x+z का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट में लिख लेता हूं x²+z²+2xz/2 प्लस, जब हम यहां पे रखेंगे तो z x+z। अब लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो माइनस करके -x x-z, यहां पे जब रखेंगे तो डायरेक्ट मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, तो x²+z²-2xz/2 -z x-z, ये हो गया dx/dz, ठीक है? चलिए इसके बाद देखते हैं इंटीग्रेशन -1 to 1 इंटीग्रेशन 0 to z, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x²+x+z+x²+z²+2xz/2xz+z², ठीक है? फिर हो जाएगा -x²+xz, जब हम इसको करेंगे तो +x²+z²-zx/2, इसको -xz। चलिए कुछ कटेगा तो काटते हैं, तो xz कट गया, x² से x² गया,
ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसे साफ कर दूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड, और यहां भी दो है तो दो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड, और यहां वाला हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, टू जेड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये टू टू फोर और डिवाइडेड टू, तो टू एक्स जेड प्लस एक्स जेड, तो ये थ्री एक्स जेड हो जाएगा प्लस टू जेड स्क्वायर। इसका हम डी एक्स और डी जेड पे इंटीग्रेशन, सॉरी एक यहां और एक यहां, यहां फोर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे टू होता। एक ये वाला बचा था हमारे पास और एक ये वाला एक्स जेड बचा था, ठीक है। चलिए अब इसको हम एक इसका एक्स का लिमिट है तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो माइनस वन टू वन, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर जेड अपॉन टू प्लस ये हो जाएगा टू एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। ये लिमिट हो जाएगा जीरो टू टू डी जेड, माइनस वन टू वन, ये जब टू पुट करेंगे तो फोर इंटू फोर जेड बाई टू प्लस फोर जेड स्क्वायर, जीरो पुट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जीरो हो जाएगा ये डी जेड, ठीक है। और टू टू माइनस वन टू वन, एट जेड प्लस फोर जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक है। चलिए अब इसको फिर से करते हैं, इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन, सॉरी इसको जब हम करेंगे तो एट जेड स्क्वायर अपॉन टू प्लस फोर जेड क्यूब अपॉन थ्री, लिमिट हो जाएगा माइनस वन टू वन, एट बाई टू फोर हो जाएगा, फोर जेड स्क्वायर प्लस फोर बाई थ्री जेड क्यूब माइनस वन टू वन, ठीक है। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा फोर, फोर को हम बाहर निकाल लेते हैं, राइट, तो वन का स्क्वायर प्लस वन का क्यूब अपॉन थ्री माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस माइनस वन का स्क्वायर अपॉन थ्री, ठीक है। तो वन सेकेंड इसको मैं ऊपर लिख दूं, तो अब जैसे देख सकते हो कि यहाँ पास फोर है बाहर में और अंदर में हो गया वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, फिर वन बाई थ्री, ये फिर हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री, सो माइनस वन बाई थ्री कैंसिल हो जाएगा, फोर इंटू जीरो डेट इज जीरो। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया वो है जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको डबल इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन कराया और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन भी हम करने सीख गए, तो मेजर इसमें जो डिफरेंट है, डबल इंटीग्रेशन को बोलूं या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन को बोलूं, तो मेजर जो डिफरेंट है वो बस लिमिट में है। अगर आप लिमिट डिसाइड कर लेते हो तो उसके बाद पूरा प्रोसेस सेम है दोनों का, बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एक ना दो आते ही रहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए चलते हैं, हैव अ गुड डे, थैंक यू।